अयोध्या से जो कलश पहुंचे हैं उनको जोधपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित किए गए हैं, जहां से जगह जगह इस कलश में जो पीले चावल हैं उनको घर घर वितरित किया जाएगा। जोधपुर के यात्रा गंग श्याम जी मंदिर जूनी मंडी से कपड़ा बाजार मोती चौक त्रिपोलिया बाजार होते हुए अचल नाग मंदिर कटला बाजार पर सम्पन्न। अयोध्या से जोधपुर पहुंचे पूजित अक्षत कलश, जाने क्या है पीले चावल का यह महत्व, क्यों किए जाते हैं वितरण। 22 जनवरी 2024 का दिन देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन भगवान राम लला अपनी नगरी अयोध्या में स्थापित भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पूजा अर्चना की बात की जाए तो जोधपुर में इसका विशेष योगदान है। इसलिए भी इसका विशेष योगदान रहने वाला है क्योंकि जोधपुर से अयोध्या के लिए हाल ही में 600 किलो घी पहुंचा था और उसके अब अयोध्या मंदिर में पूजित अक्षत कलश जोधपुर पहुंचे हैं। इस कलश के पहुंचने का उद्देश्य यही है कि इस कलश में जो पीले चावल हैं उनको जोधपुर और आसपास क्षेत्रों में राम भक्ति से जुड़े परिवारों को यह चावल घर घर वितरित कर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। पीले चावल का हिंदू संस्कृति में महत्व, अयोध्या से जो कलश पहुंचे हैं उनको जोधपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित किए गए हैं, जहां से जगह जगह इस कलश में जो पीले चावल हैं उनको घर घर वितरित किया जाएगा। जोधपुर के गंग श्याम जी मंदिर जूनी मंडी से कपड़ा बाजार मोती चौक त्रिपोलिया बाजार होते हुए अचलनाथ मंदिर कटला बाजार से भी यह कलश स्थापित किया गया है, जिससे जोधपुर वासियों में भी अयोध्या जाने को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। 20 जनवरी 2024 तक चावल वितरण का कार्यक्रम चलेगा। पीले चावल का अपना एक अलग महत्व इसलिए रहता है क्योंकि राजस्थान में कोई भी शुभ कार्य हो तो पीले चावल बांट कर न्योता दिए जाने की हिंदू संस्कृति के लिहाज से एक परंपरा बनी हुई है जो सदियों से चली आ रही है। अयोध्या मंदिर में उद्घाटन का होगा लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी 2024 को इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अयोध्या में होने वाले उद्घाटन समारोह का पूरा लाइव टेलीकास्ट आयोजित होगा। इसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। जीवंत रूप से इस पूरे कार्यक्रम को इस मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके चलते जोधपुर वासी इस मंदिर में अयोध्या में होने वाले उद्घाटन समारोह को देख पाएंगे। साथ ही खुशी के इस दिन मंदिर में भी पूजा अर्चना के साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। वंदे भारत अभिषेक सैन की रिपोर्ट। मंदिर के प्रांगण में सभी बस्ती के महानुभावों ने, राम भक्तों ने ये निमंत्रण कलश लेकर के घर घर में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण के रूप में पीले चावल लेकर के घर घर में निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, राम भक्तों से निवेदन है कि 22 तारीख को भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, तो आप लोग से निवेदन है जिस व्यवस्था के हिसाब से जो लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जो लोगों को इनवाइट किया गया वो लोग पधारेंगे। और आप सभी राम भक्तों से निवेदन है 22 तारीख के बाद जब भी आपको समय मिले प्रभु राम के इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए सभी लोग जरूर जरूर पधारें। आप और हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो हम लोगों को ये पुण्य दिन देखने के लिए मिल रहा है। सभी भक्तों से आग्रह है, निवेदन है कि जब भी आपको टाइम मिले इस भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप लोग सब दर्शन के लिए पधारे। जय सियारा। ये सूरसागर है, चांदकोल है और भीतरी शहर के अंदर है, प्रताप नगर है, इस एरिया में आज ये कलश वितरण किया है जो महानुभाव ने।